महासागरों के तीन सबसे खतरनाक हिस्से जो आपकी जान भी ले सकते हैं। हमारी दुनिया का 70% हिस्सा महासागर है। यह महासागर कुदरत का अमूल्य हिस्सा होता है, लेकिन इन महासागरों के कई हिस्से बहुत घातक होते हैं, जहां जाने से आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी कुछ मनचले अपनी जान पे खेलकर अपने शौक पूरे करने के लिए यहाँ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर के लिए। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं शुरू। नंबर 3, द ब्लू होल। अगर आपको कभी लाल सागर की यात्रा करने का मौका मिले, तब आप वहाँ की द ब्लू होल की गुफा को जरूर देखना। यह गोताखोरों के लिए सबसे शानदार जगह है, लेकिन यह जगह सबसे घातक भी है। ब्लू होल असल में एक गुफा है जो 130 मीटर लंबी और 6 मीटर गहरी है। यह गुफा एक तरह से गोताखोरों के लिए कब्रिस्तान बन जाता है। यह गुफा इसलिए घातक है क्योंकि इस गुफा में नाइट्रोजन डिस्चार्ज होता है, जिसमें आपको एक तरह से शराब जैसा नशा होने लगता है। जब आप गुफा की गहराई में जाते रहते हैं तो यह नशा और ज्यादा हो जाता है। इस जगह पर कई गोताखोरों ने अपनी जान गंवाई है। नंबर 2, दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका, जिसको बर्फ का सबसे बड़ा हिस्सा भी कहा जाता है, यह महासागरों का सबसे घातक हिस्सा है। इस जगह से गुजरने वाले जहाजों और यात्रियों को यहाँ की कठोर जलवायु का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े हिमशैल है, जिससे जहाज़ों के टकराने का खतरा हर समय बना रहता है और यह जहाज़ों को भारी क्षति भी पहुँचा सकते हैं। नाविकों ने विशेष तौर पर दक्षिणी अंटार्कटिक की 3 जगहों को सबसे खतरनाक बताया है। उन्होंने इन जगहों के नाम कोड में दिए हैं। कोड नंबर 40, 50, 60 यहाँ की सबसे खतरनाक जगह है। नंबर 1, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में हमारे ग्रह का एक तिहाई पानी है। इस महासागर में ट्रॉपिकल तूफान, मानसून और चक्रवात आते रहते हैं। हालांकि यह कुदरती आफतें इस महासागर को घातक नहीं बनाती। यहाँ की मुख्य समस्या यहाँ के समुद्री डाकू है। यह समुद्री डाकू ज़्यादातर सोमालिया से है, जिन्होंने हिंद महासागर में आतंक मचा रखा हुआ है। वहाँ कई बार इस महासागर से निकलने वाले समुद्री जहाजों को अपना निशाना बनाते हैं और कई बार लोगों को जान से भी मार देते हैं। तो हाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना।